आप देख सकते हो कि आज ये यहाँ पे 13 नवंबर, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा लॉन्ग वीडियो सबको चाहिए था, तो मैं थोड़ा इसके बारे में एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ कि आज क्या हुआ था। देखिए सुबह ये जो लेवल था, मतलब कि ये जो लाइन से आपको लेवल दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलता है आप इस पर अच्छे से ट्रेड हो सकता है, इसलिए मैं प्री प्लान सब करके देता हूँ। आज वैसे क्या हुआ, 13 नवंबर थी, मार्केट पहले ओपन हुआ और पहले बुलिश कैंडल बनाने लगा, मार्केट ऊपर जाने लगा, ठीक है। फिर वहां से अचानक से आप देखोगे कि 9:30 के बाद यहाँ से एक रिवर्सल जोन मिला हमको। मैंने क्लियरली वहां पे मैसेज डाला है, आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल। अगर डे लो टूटा तो 100 पॉइंट कहीं नहीं, इसका मतलब है कि अगर ये लो टूट जाएगा यहाँ वाला, ठीक है, ये आज का डे लो था, ठीक है, ये वाला लो अगर टूट गया तो यहाँ से 100 पॉइंट कहीं नहीं। और एक्चुअली में ऐसा ही हुआ, जैसे ये लो टूटा मार्केट सीधा 100 पॉइंट पहले देखे गया, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, उसके बाद फिर आप देख सकते हो तो पूरा गिरा है। और एक यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा, ठीक है, ये चीज क्या है। देखिए इसमें सब लोग बोलेंगे कि सर ये आपने क्या ड्रॉ करके रखा है, हमें समझ में नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, अब कुछ समझ में, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सोचा था कि मार्केट सुबह से गिर रहा है, 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 कहीं ना कहीं सपोर्ट के नीचे है, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। मार्केट ने बिल्कुल वैसा किया, थोड़ा साइडवेज हुआ, साइडवेज हुआ, और फिर फाइनली यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रू ब्रेकआउट दिया और एक बड़ी कैंडल बनाई, मतलब कि यहाँ से पता चला कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। मैंने ये लाइन इसलिए ड्रॉ किया था यहाँ पे क्योंकि ये इसका हाई है, लास्ट स्विंग का हाई है, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हम यहाँ ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है। लेकिन फाइनली आप देख सकते हो क्या हुआ, मार्केट में हमेशा वेट क्यों करना चाहिए, इसका रीजन आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से थोड़ा कैंडल ऊपर की ओर सस्टेन किया, फिर से रेड बनाया, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ और फाइनली फिर नीचे आया। कहने का मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन में पहले तो बायर्स को इन्वाइट किया, जैसे कि यहाँ पे साइडवेज था, सबको बुलाया और यहाँ पे जैसे ही रिटेलर्स की एंट्री बनी, ब्रेकआउट भी दिखाया और फाइनली यहाँ पे सबको ट्रैप कर करके मार्केट फिर आप देख सकते हो कहाँ तक नीचे गिरा है। उसके बाद आप देखो रेड 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 कैंडल सीधा, मतलब आप देखो कि कितने पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट अगर हम देखने जाए तो आप देख सकते हो 600 पॉइंट गिर चुका है यहाँ से बैंक निफ्टी, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप देख सकते हो, मैंने तो सुबह से टेलीग्राम में मैसेज डाल के रखा था कि आज कॉल की कोई सोचना ही मत, ठीक है, ये एक एनालिसिस था। दूसरा आप ऐसा भी प्लान कर सकते थे कि यार आज हमको पता है कि कुछ डेटा हमें बता रहा है कि मार्केट बियरिश है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करते, लाइन को ड्रॉ करके अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है, इस जगह से आप ट्रेड प्लान कर सकते थे यहाँ से, इस जोन से कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक एरिया है, ठीक है। यहाँ तो हमको अवॉइड ही करना था आज इस वाले जोन को, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज था मार्केट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अच्छा सा ब्रेकडाउन मिला है, तो मैंने जो ड्रॉ करके रखा था, मैंने सबको आज टेलीग्राम में मैसेज भी डाला है कि मैंने क्या ड्रॉ किया, अगर कोई बोल सकता है। दूसरा फिबोनाची लगा कि भी हमने 0.6-0.5 का लेवल डाला था, उसमें भी एक लाइन मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब अच्छे से एनालिसिस करो, एक दो कैंडल, जैसे कि एक कैंडल देखकर घुस मत जाओ, इतने में क्या प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अगर घुसते भी हो तो थोड़ा ऐसे लगा के देखो, यहाँ पे ऐसे जिसने यहाँ पे ऐसे लगाया होगा, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे घुसा है तो उसका टारगेट पहला तो स्विंग यहाँ तक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपने एसएल लगाया था क्या यहाँ पर, यहाँ पर आपने एसएल लगाया था क्या, एसएल कहाँ होना चाहिए, मानो इसके नीचे यहाँ तो होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि फाइनल ये तो पता ही है आपको, अगर इसके नीचे गया तो मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है, क्योंकि ये डे का लो है, ठीक है, डे लो है ये वाला, तो कम से कम आपको एसएल यहाँ पे रखना चाहिए, है ना, कहीं ना कहीं आपको एसएल यहाँ पे रखना चाहिए था। कितना एसएल जाता आपका, कहीं ना कहीं आपका 50 पॉइंट का या फिर 36 पॉइंट का एसएल जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे काम कर सकते हो, बिना एसएल के कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गिरा है मार्केट, तो फिर मैंने बोला तो सुबह से ही था कि आप कॉल की सोचना भी मत, ठीक है। अगर आपको चेक करना है मेरे मैसेज तो आज के नहीं, आपको पूरे महीने के मैसेज मिल जाएंगे। मैं डेली एनालिसिस करके प्री ओपनिंग में ही मैं लेवल्स डाल देता हूँ, बहुत अच्छा काम आता है सबको। जो चीज आप पेड टेलीग्राम होता है, जिनको आप पैसे देकर के टिप्स ले रहे हो, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आपको लूट रहे हैं, इससे अच्छा तो ये है कि आप ज्वाइन करो, एक बार देखो टेलीग्राम और उसमें देखो कि लेवल कैसे काम करता है, क्या मैं जो डालता हूँ वो लेवल काम करता है कि नहीं,
और फिर लेफ्ट हो जाना अगर आपको पसंद ना आए तो, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं छोड़ने का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से अच्छा खासा फॉल आया और आज हमने भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया, उसका भी प्रूफ आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही बने रहिए यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं डेली यहाँ पर शॉर्ट भी अपलोड करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।